नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का ग्रेट कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, रेलवे एग्जाम, यूपी एग्जाम और हरियाणा के जो एग्जाम टेक्निकल ग्रुप के होने वाले हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ के साथ अपने राजस्थान के भी जितने भी एग्जाम है, और अगर उनमें रीजनिंग सब्जेक्ट है, दिल्ली पुलिस हो गया, चाहे एसएससी जीडी हो गया, चाहे राजस्थान पुलिस हो गया, जिसमें भी रीजनिंग सब्जेक्ट है, उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है एनालॉजी। हर एक एग्जाम में इसके 1-2% बनते हैं और ये बहुत हल्का टॉपिक गिना जाता है, क्योंकि इसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। कई बार इसका क्वेश्चन फंसता है तो बहुत खतरनाक फंस जाता है, और लॉजिक्स कई बार हम ढूंढ नहीं पाते हैं, और या फिर जो हम सोचते हैं वो लॉजिक उसका होता नहीं है। तो इसलिए इसकी ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सभी मित्रों का स्वागत है भाई, एक बार गुड इवनिंग, राम राम सभी को, और फिर अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए भाई, एक बार सभी लोग आपके आ जाएं, लाइव आ जाएं हमारे साथ। गौतम माली, छगन, वंदे अमर व्लोग, बिल्कुल भाई, आ जाइए सभी लाइव आ जाइए, और जोड़ लीजिए अपने उन सभी मित्रों को जिनका लक्ष्य एक ही हो। सिका यादव जी का भी स्वागत है, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए भाई, शुरू करते हैं आज के सेशन को बेहतरीन लाइंस के साथ। लिखा है, जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है। राजस्थानी सॉन्ग, वंदे अमर, शिखा यादव, छगन, गौतम माली, सभी मित्रों का स्वागत है भाई, आ जाइए। बहुत बेहतरीन लाइन है वैसे। जब हौसला टूटने लगे, जब हौसला टूटने लगे तो करना क्या है? सर, हम पढ़ते हैं, हम तैयारी करते हैं, हमारे एग्जाम लेट होते हैं, या फिर हमारे सामने कई समस्याएं आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, हमें कई लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन बेटा तख्त व ताज, या बोल सकते हैं सिंहासन, यू ही नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, उस दिन वही रिश्तेदार, वही आपके परिजन, वही अड़ोसी पड़ोसी आपको यूं मतलब बड़े सम्मान के साथ गांव में स्वागत किया जाएगा। तो बिल्कुल सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से सभी लोग बनाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि भाई, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंधों में सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है एनालॉजी में। एनालॉजी में कई बार ऐसा होता है कि जो हमें आंसर लगता है वो कई बार आंसर नहीं होता है, उसके पीछे यह है कि कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन हो जो उससे भी बेस्ट रिलेट करता हो, संबंध बनाता हो। चलिए, लिखा है, होटल मेन्यू पुस्तकालय का किससे संबंध होगा? चलिए भाई बनाइए सभी लोग। बी 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 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, किताब से। नहीं बेटा, किताब गलत हो गया है, किताब गलत हो गया है, किताब वाले गलत हो गए बेटा। पांडे जी, गौतम माली, शिखा यादव, बेटा यही तो बात है एनालॉजी में, यही तो बात है, लगता पर्सन इजी है, लगता पर्सन इजी है, लेकिन होता इजी नहीं है। सही से बनाइए, वापस सोच समझ के आंसर कीजिए। ए और बी दोनों नहीं है बेटा। लो, मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर ना तो ए है और ना ही बी है, ना तो ए है ना बी है। लो भाई, ये काट दिया मैंने, ये काट दिया, बताओ बेटा ए और बी दोनों गलत है, सी? अब बेटा चार ऑप्शन है, फिर तो कोई ना कोई हो गई। सेल्फ का क्या मतलब है? देखो, रिलेट करो। अरे सर, हम होटल में जाते हैं तो खाना मंगाने से पहले क्या देखते हैं? मेन्यू, कि उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, या कौन कौन सी खाने में चीजें उपलब्ध है। रिलेट करो, रिलेट करो। उसी प्रकार हम पुस्तकालय जाएंगे तो ऐसे ही लाखों पुस्तकें हैं, आपको कौन सी चाहिए, क्या यूं ही ढूंढ लोगे? उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पुस्तकालय में जाकर के वहां का कैटलॉग देखना पड़ेगा, वहां का क्या देखना पड़ेगा, कैटलॉग, कौन सी बुक किस रैंक में रखी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देखनी पड़ेगी डायरेक्टली। लाखों बुकों में से अगर अपनी बुक ढूंढने लगोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार देखो भाई, मान लो एक बड़े होटल गए और वहां 100 तरह के भोजन है, हमें कोई एक भोजन पसंद है,
क्या डायरेक्टली हम बोल देंगे? नहीं, उसका मेन्यू देखना पड़ेगा हमें कि क्या वो वहां अवेलेबल है या नहीं है, फिर अपन ऑर्डर करेंगे। तो उसी प्रकार अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पे कैटलॉग मिलेगा, या आप अपने कैटलॉग अगर आप कहीं पेंट की दुकान पे गए हो, कलर की दुकान पे, तो वहां आपको कलर का कैटलॉग दिखाया जाता है कि भाई ये वाला कलर ऐसा है, ऐसा दिखता है, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो ये होगा। वैसे ही अपने जो है आपके पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग होता है, और बिल्कुल आपके उसमें क्या कर सकते हैं, आप जाकर के डाटा देख सकते हैं कौन सी पुस्तक कौन सी रैंक में और कैसे रखी हुई है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसका राइटर कौन है, ये सब चीजें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल, लो भाई नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया, प्रकाश अंधा, भाषण गूंगा, भाषा, जीभ, आवाज। चलिए भाई, सभी भाई देखो मित्र, स्वागत है आपका, और सभी पार्टियां बहुत बढ़िया है, सभी नेता बहुत अच्छे हैं, और चुनाव आ रहे हैं तो आप देख लेना, ठीक है। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बनाइए भाई, बनाइए, अब आंसर बनाइए। डी आ रहा है, वॉइस। बेटा वापस सही से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, 15-20 लोग लाइव है भाई, थोड़ा आप संख्या बल नहीं बढ़ा रहे दोस्तों। आप लगातार पिछले कुछ दिनों से यही 20-30-25 लोग लाइव आते, मजा नहीं आता। मैंने बोला अर्ध शतक चाहिए कम से कम, क्योंकि लगातार क्लासें हो रही है का मतलब बच्चे बढ़ने चाहिए, आपको जोड़ना चाहिए, उन साथियों के साथ शेयर करना चाहिए जिनका एक ही लक्ष्य हो। बिल्कुल फुलाराम भाई, गुड इवनिंग। ए ए ए, बिल्कुल बेटा, देखो अंधा प्रकाश नहीं देख सकता, उसी प्रकार गूंगा भाषण नहीं दे सकता, गूंगा भाषण नहीं दे सकता। सर अंधा प्रकाश नहीं देख सकता, उसी प्रकार गूंगा भाषण नहीं दे सकता, इस प्रकार आपको रिलेट करना होगा। आपको जो एनालॉजी का मतलब ही क्या है कि रिलेशन कैसे बना। बिल्कुल रमेश बाबू, शिखा यादव, मनीष कुमार, आंसर क्या करेंगे भाई, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। लाइट ब्लाइंड व्यक्ति को नहीं दिखती है, उसी प्रकार स्पीच भाषण गूंगा व्यक्ति नहीं दे सकता। आवाज का क्या लेना देना है भाई, रिलेट करो एक दूसरे को, आंसर ऑप्शन ए होगा। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाइग्रोमीटर आदरता, ये साइंस का प्रश्न आ गया, बेरोमीटर, बेरोमीटर। बेटा अपोजिट साइड से ना वो क्या करते हैं, टाइपिंग वाले कर देते हैं ना, साइड का आप टेंशन मत लो, ये जोड़ कर देते हैं टाइपिंग वाले। वो जो यहाँ पे खाली था ना, वो खाली इधर था, देखो इसमें वो एनालॉजी का साइन ही नहीं लगाया, पर्सन तो ऐसा था, प्रकाश अंधा, फिर यहाँ पे वो डबल वाला चिन्ह, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क और भाषण और फिर क्वेश्चन मार्क, ऐसा था यहाँ पे, ये गायब ही कर दिया इन्होंने, है ना। तो नो टेंशन रहे, अपना आंसर गूंगा होगा। चलिए अब बताइएगा, बी आंसर आ रहा है भाई, दबाव, दबाव प्रेशर, टेम्परेचर धारा गति। जो एक टेबल आपको बनानी है, याद कर लेना, साइंस में आपने पढ़ी होगी कि सर यूनिट इकाई और उसको मापने का यंत्र, मापने का यंत्र बना लो एक टेबल और, इधर लिखो यूनिट्स इकाइयां, जैसे सर तापमान, क्या लिखा मैंने, तापमान, आपको मापने के लिए, तापमान मापने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, थर्मामीटर, क्या चाहिए, थर्मामीटर। इसी प्रकार आपको अलग अलग यूनिट्स लिखनी है और उनके सामने उनके मापने के यंत्र के नाम लिखने हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापता है, क्या करता है, आर्द्रता, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। आपने कभी ज्यादा नहीं तो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी बेटा, सत्यम पंडित। देखो उम्मीद है कि अब जो मैंने बोला ना, इनका एग्जाम है, सांसदों का एग्जाम है, हमारे आपके एमएलए का एग्जाम है, तो वो जल्द ही आपकी वैकेंसी लाएंगे, है ना।
क्योंकि उनको पता है कि हम अब की बार वैकेंसी नहीं लाए तो फिर तो भाई बच्चे क्या ही करेंगे उनके साथ, सोच लो। जल्द ही रेलवे की 2-2.5 लाख पोस्ट खाली है, अभी वर्तमान में बहुत बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। तो आंसर क्या होगा भाई? दबाव बेरोमीटर। उम्मीद है जल्द से जल्द आए, है ना। ये लो घन वर्ग वर्ग क्वेश्चन मार्क, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है भाई, इसका भी काफी लोग गलत बनाएंगे। शानदार शानदार जानदार धमाकेदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बनाइए। रमेश बाबू फूलाराम, बी ऑप्शन पिछले का बिल्कुल करेक्ट था, दबाव मापने के काम आता है। लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो आ चुका है, इसका आंसर बनाइए। एनालॉजी ऐसा टॉपिक है जिसको हम तेजी से पढ़ते हैं, एक मतलब ले ताल के साथ पढ़ते हैं सर, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए भाई, लगातार 15-20 लोग लाइव आ रहे हैं, और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई। अभी आपने लाइक नहीं किया सब लोगों ने, सब लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दें। आंसर सिखा का सी आया है, एज रिलैक्सेशन। बेटा ये सुनो, एज वाला कंफर्म, एज की छूट मिलेगी ये कंफर्म है, आप नो टेंशन रहिए। एज की छूट 100% मिलेगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, एज की छूट 100% मिलेगी, नो टेंशन रहिए। आंसर सी आ रहा है, विकास ब्राह्मण फुलाराम, सी आंसर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। छगन भाई जल्दी से लाइक कर दो, एक बार अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। मनोहर सैनी का डी आ रहा है, चलिए बेटा फिर भी गलत ही लग रहा है, सी भी गलत है। और देखो ये वर्ग होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। एएलपी की 6 साल हो गई बेटा, बिल्कुल 2017-18 की वैकेंसी थी, उसके बाद अभी तक एएलपी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। सत्यम बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, और उम्मीद है कि कुछ टाइम में ही जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए। देखो ये वर्ग है ना, जो वर्ग मिलते हैं, खूब सारे वर्ग मिला दो, खूब सारे वर्ग मिला दो तो क्या निर्माण होगा? घन का। देखो अपना घन कुछ ऐसा ही होता है, लो मैं दो, देखो दो मैंने वर्ग मिला दिए 3D में तो आपका घन बन गया। तो वर्ग से घन बन रहा है, यहां देखो वर्ग से क्या बन रहा है? घन। तो त्रिभुज से वर्ग नहीं बनता, बिंदु से, चाप से नहीं सर, रेखा से। अगर रेखाएं खींचेंगे तो उससे क्या निर्माण होगा? वर्ग का। लो सर ये रेखा खींची, ये खींची, ये खींची, ये वर्ग का निर्माण हो गया, वर्ग का निर्माण, लाइंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा। कई बार ऐसे प्रश्न बड़े फंसाते हैं और गलत हो जाते हैं। देखो एनालॉजी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि मन नहीं रुकता कि ये प्रश्न हमें नहीं आता। एनालॉजी का कभी लगेगा ही नहीं कि ये प्रश्न हमें नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारा गलत हो जाता है। आप कुछ टॉपिक मैं मानूंगा सीरीज जैसे कर रहे हो, नहीं बनी तो आप छोड़ दोगे कि सर कोई बात नहीं है, सीरीज हमसे नहीं बनी तो हमने छोड़ दी। लेकिन ये टॉपिक मानता ही नहीं है, दिल्ली नहीं रुकता कि इसको तो करना ही करना, एनालॉजी का प्रश्न हमें कैसे नहीं आता। फिर हम कहीं ना कहीं बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर कर देते। तो एक तो छोड़ना और एक गलत होना, तो गलत वाला ज्यादा नुकसान कर रहा है, गलत वाला यहां पर ज्यादा नुकसान कर रहा है। बिल्कुल भाई, देखो वर्ग से खूब सारे वर्ग मिलते हैं तो घन का निर्माण होता है, उसी प्रकार रेखाओं से वर्ग का निर्माण होता है। रेखाओं से क्या निर्माण होता है? वर्ग का निर्माण होता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली बिल्ली का बच्चा, भेड़ भेड़ का बच्चा, क्या बोलते भाई? मनोहर सैनी, मनीष कुमार, गौतम, सत्यम पंडित, फुलाराम, भाई जल्दी बनाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बनाएंगे। बी 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 आंसर आ रहा है, अब की बार तो सर सबको पता है। गुड गुड गुड, शाबाश, शानदार। जय प्रकाश सोनी, रमेश बाबू फुलाराम, शिखा यादव, छगन, शेखर नोगिया, विकास ब्राह्मण, पारमान, क्या लिखा आपने भाई, जो भी नाम है आपका विकास। चलिए अब देखिए सर, बिल्ली के बच्चे को बिलोटा बोलते हैं वैसे तो, अगर कहीं अभी तो बिल्ली का बच्चा लिख दिया, अगले में बिलोटा लिखा आ सकता, क्या लिखा आ सकता? बिलोटा भी लिखा आ सकता है,
उसी प्रकार भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे को, दोनों को मेमना बोला जाता है। दोनों को क्या बोला जाता है? मेमना, लैम। इंग्लिश में बोले तो क्या बोला जाता है? लैम। आंसर ऑप्शन बी। सबका बढ़िया आया भाई, सबका शानदार आया है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुर्सी, फर्नीचर, शर्ट, स्टेक्ट, गारमेंट्स, ड्रेफरी, कॉर्करी। चलिए चलिए, बनाइए बनाइए बनाइए। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा पर्सन है भाई। सभी लोग एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक कर दें। अभी तक बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, शर्ट पहन रखा है। ये कौन से में आता है? जैसे आपके कुर्सी फर्नीचर के अंदर आती है, खूब सारा फर्नीचर होता है, फर्नीचर का एक भाग है कुर्सी। उसी प्रकार गारमेंट्स, कपड़े, गारमेंट्स को और ज्यादा डिस्क्राइब किया जाए, गारमेंट्स तो उनको क्या बोलेंगे? कपड़े। शर्ट, कपड़ों के अंदर कौन आता है? शर्ट आता है। गारमेंट्स आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गारमेंट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। लो, चुंबकीय क्षेत्र और स्टेट। देखो इसका नाम थोड़ा सा यूं लिखना, ओरेटेड नहीं, ओरेस्टेड था शायद, ओरेस्टेड। शक्ति, यूनिट है भाई, मैंने एक बताया था, यूनिट्स, इकाइयां, राशियां और इकाइयां। यहां राशि लिखो और उसको मापने की इकाई लिखो, राशि लिखो और उसको मापने की सर विद्युत। विद्युत किस में मापी जाती है? कि सर एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। तापमान किस में मापा जाता है? कि सर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, या सेल्सियस लिख देते हैं, सेल्सियस। इस प्रकार एक और टेबल बना लो, एक और टेबल बना लो भाई, बन जाएगा अपना बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 10th class, 8th, 7th class में हमने खूब पढ़ा है शक्ति, वोट। और जो बालक ITI से है या रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसका तो डेली का काम है सर, उसका तो डेली का काम है ये। या ITI कर रखी होगी, उसने कहीं भी काम सीखा होगा तो उसके बहुत बार इसका काम पड़ा होगा कि सर ये हमारा मतलब 40 वोट का है, ये 100 वोट का है, ये 200 वाट का है। क्या है? शक्ति है। H बराबर I²RT फॉर्मूला होता है जैसे इसका। चलिए, क्रिकेट 11, कबड्डी। भाई क्रिकेट 11 खिलाड़ी होते हैं तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे, ये आपसे पूछा गया। आसान सा प्रश्न है सर, बहुत बढ़िया से सभी लोग बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आसान प्रश्न है। बनाइए सभी लोग, बनाइए जल्दी से, जल्दी से भाई, शाबाश, शानदार। चलिए 8-8-8 आ रहा बेटा। ये देखो, आपको ये पता नहीं है कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। यार गजब आंसर कर रहे हो, 8 कैसे होते रहे? कबड्डी नहीं खेला तुमने? अरे 8 कैसे होता भाई, ये कौन पिटने का काम कर रहा है ऑनलाइन? अरे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये 8-8 लिख रहे हो रे। यार कबड्डी हमारा देसी खेल है, क्या कर रहे हो भाई तुम, पिटने का काम ही कर रहे हो तुम। सर क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में, उसी प्रकार कबड्डी में भी आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। अब तो हमारा प्रो कबड्डी लीग आ रहा है, इतना शानदार, इतना फेमस गेम है अपना, अपना खुद का गेम है, हर किसी ने खेला होगा बचपन में या अभी भी खेलते होंगे, लेकिन उसके खिलाड़ी कितने पता नहीं है सर। हमें तो पता नहीं है, हम तो जितने भी होते हैं सबको खिला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि हम गांव में खेलते हैं, 20 लोग इकट्ठा हो गए, सारे इधर इधर हो जाओ भाई, इधर इधर हो जाओ, ऐसा नहीं होता। कभी कभी 3-3, 4-4 भी खेल लेते हैं, लेकिन टीम में बात की जाए तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, इसकी भी एक टेबल तैयार करो गूगल से, है ना। इधर लिखो खेल, इधर लिखना खेल, और इधर लिख लेना खिलाड़ी। लो आज से समस्या ही खत्म, सारे खेल नाम लिख लो। सबसे पहले क्रिकेट, इसमें 11, कबड्डी,
इसमें साथ खो खो वगैरह सबका जितने भी गेम है सारे के सारे लिखते रहो और उनके सामने खिलाड़ियों की संख्या लिखो। पर्सन कहीं से भी बन सकता है, बस हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ पर्सन कहीं से भी बन सकता है। चलिए बनाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी बनाएंगे इसको। बनाओ भाई आंसर बनाओ। देखो ये बड़ा तगड़ा पर्सन आया है, कितने लोग देखो, डॉक्टर डॉक्टर हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो ये लिखा होता पेडियाट्रिक्स, ये चिल्ड्रन से संबंधित है, किससे, चिल्ड्रन से। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी भाई बिल्कुल, अब तो ये आसान सा है भाई, चलो ये वाला हमें समझ में ही नहीं आए छोड़ो, लेकिन न्यूरोलॉजी का तो नाम सबने सुन रखा होगा यार, न्यूरो का नाम तो हर बच्चे बच्चे ने जानता होगा भाई, बिल्कुल। जो सारी खुरापाते करता है कौन करता है, ब्रेन, कौन करता है, ब्रेन। आंसर क्या होगा, सदाकत अली, विकास, फुलाराम, जयप्रकाश सोनी, छगन, शिखा यादव, गौतम माली, सबने ब्रेन किया भाई। देखो एक एक अपने जनरल नॉलेज के लिए भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो आप लिखो शरीर के अंग, शरीर के अंग और उससे संबंधित डॉक्टर, या आप टेबल बना लो या डिपार्टमेंट लिख सकते हो। आपने सुना होगा कि सर न्यूरो में चला जा, ऑर्थो में चला जा, सीधा ही वो बोलता है नर्सिंग स्टाफ आया तू जा भाई एक्सरा खिंचवा ला, ऑर्थो में चला जा, रेडियोलॉजी में चला जा, तो ऐसे डिपार्टमेंट अपने को पता होने चाहिए। तो ये लिख लो डिपार्टमेंट, शरीर का अंग कौन से अंग से संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल। चलिए तो आंसर क्या होगा, ब्रेन, आंसर क्या होगा इसका, ब्रेन। पेडियाट्रिक किसको बोलते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित, ये बच्चों के डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो न्यूरो, न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड। देखो बेटा ब्रेन में आपका रीढ़ की हड्डी भी आ जाती है न्यूरो के अंदर ही, क्योंकि स्पाइन कोड, स्पाइन कोड का भी, बिल्कुल स्पाइन कोड का भी क्या है, न्यूरो के अंदर ट्रीटमेंट होता है। ये लो बार्क, सोल्जर, देखो कई बार इंग्लिश के वर्ड आएंगे, बार्क यानी होता है छावनी, क्या होता है छावनी, सैनिक। अब बनाओ भाई, अब बनाओ सभी लोग, बार्क यानी छावनी, सैनिक। उसी प्रकार स्पाइडर किससे संबंधित है, अच्छा पर्सन है, बनाइए सभी लोग। वेब, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा भाई। मकड़ी, ये स्पाइडर किसको बोलता है, आपने वो मूवी देखी वो नहीं है, मकड़ी है, मकड़ी। स्पाइडर किसको बोलते हैं, मकड़ी भाई। आपस में ऐसा कोई कमेंट नहीं करें और क्वेश्चन का आंसर एक बार करें, मेरे को दिख जाएगा है ना। चलिए वेब, वेब जाला। सर मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है, क्या बनाती है, जाल, क्या बनाती है, जाल। तो सर आंसर क्या होगा, वेब, स्पाइडर वेब। वही छावनी में सैनिक रहते हैं, उसी प्रकार मकड़ी कहां अपने जाले के अंदर रहती है, निवास स्थान है आप बोल सकते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई, मेघालय का शिलोंग, बिहार का, बिहार का, इतना आसान प्रश्न है भाई, राज्य है, राजधानी है, राज्य लिखा है और राजधानी लिखी है, टेबल तैयार करवाई थी आपको याद हो तो। राज्य राजधानी, राज्य राजधानी। अब सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, बहुत शानदार भाई, बिहार की राजधानी पटना। लो भाई ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सबका बढ़िया से आंसर आ रहा है। शिखा, मनोहर सैनी, फुलाराम, विकास, सदाकत अली, गौतम माली, बिल्कुल भाई सबका आंसर डी आया, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ईट एट बाय, ये वर्ब की फॉर्म है,
वर्ब की फॉर्म है, जल्दी आंसर बनाइए। बाय बोट, बढ़िया 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 आंसर आने लगा है, जबरदस्त भाई, सभी सभी आंसर बनाइए। वर्ब की फॉर्म है ये इंग्लिश की, ईट। डी कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को देख के नहीं करना है, खुद का आंसर करना है, खुद का आंसर करना है भाई। किस किस का, गौतम का आया है, पुलाराम का आया है, विकास का आंसर आ चुका है भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो क्यों रहे हैं? अरे कौन क्लास में आके कौन सो रहा है भाई, क्लास में आके सो रहे हैं। बाय बोट, बिल्कुल आंसर क्या होगा भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म सर, बाय बोट। लो भाई क्या है, वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है सर। आंसर में लॉजिक लिख देंगे, लॉजिक लिख देंगे। चलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन क्लाउड्स डेजर्ट। लो भाई माउंटेन क्लाउड्स डेजर्ट सैंड मिरेज वाटर पाम, इंग्लिश के वर्ड आ गए सारे के सारे। माउंटेन बोलते हैं पहाड़ियों को, किसको बोलते हैं, पहाड़ को। क्लाउड किसको बोलते हैं, बादल को। लो बेटा ये मरुस्थल डेजर्ट किसको बोलते हैं, मरुस्थल को। अब आप बताइएगा डेजर्ट में माइरेज कौन क्या क्या आंसर कर रहा है सर, और डेजर्ट में क्या होगा रे सर, इंग्लिश में लिख दिया आपने तो। लो भाई आंसर क्या है, रेत। आंसर क्या है, रेत। अरे हमारे राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में जो लोग निवास करते हैं उनको तो पता होगा, सैंड बालू, बालू रेत। आंसर क्या होगा, रेत। माउंटेन क्लाउड्स, चलिए पहाड़ों पर जाते हैं ना तो हम यूं लगता है ना बादल है बिल्कुल पास में ही। ये लीजिएगा लॉयन प्राइड वुल्फ, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ये देखो हिंदी में पर्सन था लेकिन लिखा उसके अंदर इंग्लिश में ही था, तो आपको पता करना होगा, आपको खुद को ही पता करना भाई किसका क्या आंसर आ रहा है। चलिए बनाइए सभी लोग, जल्दी 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 बनाइए भाई। हाँ सैंड के बाद अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, सर हिंदी मीनिंग लिख दो ऐसे तो पता चलेगा नहीं। देखो ये है शेर, और प्राइड बोलते हैं शेरों के झुंड को, शेरों के झुंड को। वोल्फ बोलते हैं भेड़िया, तो बस आपको ये बताना भेड़िए के झुंड को क्या बोलेंगे। फ्लॉक नहीं बेटा, फ्लॉक नहीं, तुक्का नहीं मारना है। डी, डी गलत है भाई, डी गलत है। पैक हियर्ड पोड फ्लॉक, आंसर आपका ये होगा। इस पैक को तुम कोई गलत वाला पैक मत समझना है ना, इसको बोलते हैं भेड़ियों का झुंड। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश की एक ही स्पेलिंग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, भेड़ियों का झुंड आंसर होगा। ये लीजिए भाई, ये लीजिए फाइनल आंसर क्या होगा, भेड़ियों का झुंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ये लीजिए 45, ये तो आप सबने किया होगा भाई। पे रिसीव वॉस, देखो पे रिसीव ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है, किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पे कर दिया तो वो बोलता रिसीव हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल रिसीव हो गया। तो आपको ये बताना है कि वोस को क्या बोलेंगे, वोस का क्या होगा, वोस का क्या होता भाई। देखो पे का मतलब किसी को पैसा भेजना, ये भेजना होता है, ये प्राप्त होना, प्राप्त होना विपरीत है एक दूसरे के। उसी प्रकार वो उसका मतलब साफ करना, तो सर गंदा करना, गंदा करने का मतलब होता है सोइल। क्या होगा आंसर, सोइल गंदा। आप मिट्टी विट्टी ले जाओ तो गंदा गंदगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो उसका मतलब साफ सफाई की सर, धोके।
क्लीन नहीं बेटा, क्लीन का वॉश और क्लीन तो दोनों एक दूसरे के, नीट क्लीन वॉश, ये दोनों एक दूसरे के सेम सेम वर्ड है। अपोजिट ढूंढने हैं, अपोजिट ढूंढने हैं, सोइल आंसर होगा, आंसर सोइल होगा, गंदा करना, वॉश यानी साफ सफाई करना। देखो भेजने का विपरीत है रिसीव होना, प्राप्त होना, तो उसी प्रकार आपका जो साफ सफाई का विपरीत है वॉशिंग करते हैं तो साफ करते हैं, तो मिट्टी ले आओ भाई गंदा हो जाएगा। बिल्कुल आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिटी पिटी सीरियस येल, ये बेटा इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं और एग्जाम में बिल्कुल इंग्लिश में ही आएंगे, ऐसे नहीं सोचना कि सर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग आएंगे, नहीं, ये देखो ये हिंदी मीडियम का पर्सन ऊपर लिखा है और उसमें भी इंग्लिश में लिखे हैं, उसमें भी इंग्लिश में लिखे हैं, तो आपको आंसर इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही देना होगा, ये ध्यान रख लें आप। भाई क्या क्या आंसर बना रहा है सर, अब तो हम तुक्के मार रहे हैं, हमारा और इंग्लिश का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन कुछ हमारे डेली लाइफ वाले चीजों को हमें थोड़ा इंग्लिश का भी जानकारी होना चाहिए। ये देखो पीटी का मतलब होता है नगणीय, सीरियस का मतलब अहम, कई बार हम बोलते हैं ना मेरे को वो सीरियसली नहीं ले रहा है, तो वो आपको क्या ले रहा है, पीटी क्या ले रहा है, एक आप प्रीटी पढ़ते हैं वो प्रीटी अलग है बेटा, पीटी ये क्या है, पीटी ऐसे बोलेंगे, और नगणीय सीरियस यानी अहम, येल यानी चिल्लाना, क्या होता है चिल्लाना, तो इसका अपोजिट होगा ये वाला फुसफुसाना, क्या होगा फुसफुसाना, कई बार हम अगले को सुना ही नहीं दे वो गाली निकाल देना, वो वाला सिस्टम है कि सर अपना ही काम हो गया, अपना भी गुस्सा निकल गया और अगले को सुनाई भी नहीं दिया, फुसफुसाते ना बिल्कुल बड़बड़ाना जैसे हो गया, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। भाई ये नोट कर लो आप सभी लोग, ये नोट कर लो, ये पर्सन इंग्लिश में ही आते हैं एग्जाम में, चाहे हिंदी मीडियम से हो अपन, ये लो फिशेज एक्वेरियम बर्ड्स एवरी एपेरी बायरी ड्रेई, जल्दी बताइए क्या सर इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं क्या, बीच में इतने सारे इंग्लिश के वर्ड आए हैं, बताओ भाई बताओ। देखो एक्वेरियम तो आप सबने सुना होगा, अपन कई बार जाते हैं कोई बड़ा अच्छा पैसे वाले लोगों का घर हो तो उनके वो कांच वाच में मछलियां रखी होती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, मछली मछली को किसके अंदर, मछली घर के अंदर, किसके अंदर, मछली घर के अंदर। इसी प्रकार पक्षी, तो सर पक्षियों को पक्षी घर के अंदर रखा गया होगा, पक्षी घर के अंदर। अब सर मेन बात है कि इनमें से पक्षी घर है कौन सा, इनमें से पक्षी घर है कौन सा, सर मेरे पास आईटीआई नहीं है, क्या फॉर्म नहीं भर सकता क्या डी गुरु, बेटा अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है कि आईटीआई के बिना आप डी ग्रुप का नहीं भर सकते, लेकिन ऐसा संभावना बताई जा रही है कि डी ग्रुप के भी इस बार आईटीआई आएगी, लेकिन वैसे डी ग्रुप की वैकेंसी आपके 12th पास या 10th पास आती है, 10th पास ही आती है वैसे तो, और मेरे हिसाब से देखो पता नहीं अब आगे क्या हो, लेकिन संभावना है कि आईटीआई वाले, अब वो तो ऑफिशियल आने के बाद ही पता चलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे भाई। भरतनाट्यम तमिलनाडु, लो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, कहां का, तमिलनाडु का। सर कुचिपुड़ी, कौन सी पुड़ी, सर कुचिपुड़ी, लो भाई कुचिपुड़ी कहां का है। अब तो ये तो पर्सन आपका सबका आना चाहिए भाई, क्लासिकल डांस तो हमें याद होने चाहिए, कौन सा राज्य कौन सा क्लासिकल डांस, अरुणाचल प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश केरला, सर केरला में तो बिहू वगैरह, कर्नाटक, ओडिशा में कौन सा होता है, सबके सब स्टेट है उनका स्पेशली आपके आठ या दस क्लासिकल डांस है, और वो कहां कहां होते हैं उसका याद रखना होगा,
बिल्कुल इस बार सबका बढ़िया आ रहा है। आंध्र प्रदेश कहाँ है, कुचिपुड़ी कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। नोट करो बेटा, जीके क्लियर हो रहा है यूं साथ का साथ, एक तीर दो निशाने वाली बात है, जीके की चीजें क्लियर हो रही है रीजनिंग के अंदर। हाँ, बिहू और कुचिपुड़ी दोनों है, केरल का, केरल का कुचिपुड़ी कहाँ है बेटा, बिहार का कौन सा है, बिहार का बताओ भाई, अपने राजस्थान का कौन सा है, घूमर। लो लाइक द वर्ड्स फर्स्ट पेयर नेक्स्ट बर्ड लोयन। अब बताओ भाई, पक्षी कहां रहते हैं नेट्स में, घोंसला क्या है, घोंसला पक्षी क्या है, पक्षी। उसी प्रकार लोयन ड्वेलिंग बुश फॉरेस्ट डेन। अच्छा, आंध्र प्रदेश के दोनों है। बिहू आसाम का बेटा, हाँ बिहू आसाम का है शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जीके मेरा भी वीक है लेकिन बिहू शायद आसाम का होना चाहिए, है ना, दो है आसाम के, दो है शायद। अरे बेटा ओनली आपने क्या आंसर कर दिया, फॉरेस्ट डेन, डेन यानी पिंजरा होता है शायद, डेन यानी क्या होता है, पिंजरा नहीं गुफा, क्या होता है, अरे फॉरेस्ट में नहीं रहता है, फॉरेस्ट जंगल में तो रहता ही रहता है, उसका निवास स्थान कौन सा है, गुफा है, डेन गुफा, डेन डेन डेन, आंसर डेन होगा बेटा। शेर जंगल में तो रहता ही है, जंगल का राजा भी है, लेकिन वो निवास कहां करता, उसका सही मायनों में निवास स्थान क्या है, वो है गुफा, डेन। क्या सर इंग्लिश मीनिंग मीनिंग हमें पता नहीं है, बिल्कुल आंसर क्या होगा, गुफा। शेर कहां रहता है सर, शेर गुफा में रहता है, आंसर ऑप्शन डी। ये लो ग्राम ग्रेन पाउंड, लो भाई ये आपके यूनिट्स है, मापने की इकाई है वजन की, तोलने के लिए, ग्राम का ग्रेन, ग्राम का ग्रेन। इसी प्रकार आपको बताना है कि आपका जो पाउंड है वो निम्न में से किससे रिलेटेड होगा, वेट हाइट कॉमोडिटीज सीरियल्स। पाउंड बेटा लंदन वगैरह में यूज किया जाता है, ये ग्राम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। देखो ग्रेन बोलते हैं अनाज को, अनाज किसको बोलते हैं, अनाज को, दाने वाले अनाज, चना, चना एक अनाज है। तो पाउंड आपका यहाँ क्या है, वजन तोलने के लिए, वेट का है सर, किसका है, वेट की यूनिट है, वजन की यूनिट है, हिंट दे दिया था आपको, मास का है रे बेटा, वेट होगा वेट, वजन बी बी बी, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा भाई। राखी यादव, शेखर गौतम माली, जयप्रकाश सोनी, शिखा मनोहर सैनी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। लो मौत, इंसेक्ट्स, माउस, बताओ भाई, रोडेंट केट मॉल रेट, चूहा बिल्ली वगैरह सब आ चुका है भाई आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन में सब आ चुका है, बना दो जल्दी से। कौन कौन बना रहा, रेट नहीं रहे क्या सर, माउस के रेट, पर्यायवाची नहीं बेटा, ये देखो ये मौत बोलते हैं तितलियां, तितली, तितली किसका प्रकार है, कीड़े का, एक प्रकार का कीड़ा है तितली भी, तितली भी क्या है, एक प्रकार के कीड़े की कैटेगरी का है, रेट नहीं होगा बेटा, रेट नहीं होगा। इसी प्रकार माउस, माउस होता है रेडेंट, रोडेंट, क्या लिखा है, रोडेंट, रोडेंट किसको बोलते हैं, कृतदंत, कृतदंत वाले, अरे जो आपके दांतों से काट काट कर बिल्कुल कचरा वचरा कर देते हैं उनको बोलते हैं, कृतदंत की कैटेगरी है, आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो कृतदंत बनेगा, ऑप्शन ए। कैसरा मैं तो केट रेट ही पता है,
वही लिख रहे हैं, आंसर ए होगा। कैटेगरी है छिपकली, जैसे अलग कैटेगरी में आती है रेप्टाइल्स सांप वगैरह आपके, उसी प्रकार ह्यूमन अलग कैटेगरी में आता है, मनुष्य होमो सेपियंस कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे अपन बोलते हैं ना एनिमल्स वगैरह अलग अलग, तो उनकी कैटेगरीज की गई है, डिवाइड किया गया, और चैप्टर भी वही है भाई। एनालॉजी में करना ही क्या होता है, वर्गीकरण करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। आंसर रोडेंट होगा। लो भाई, यूएसए में डॉलर चलता है तो टर्की, ये देखो देश मुद्रा याद करो, मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था कि ये प्रश्न भी बनता है, देश मुद्रा ये आ गया। यूएसए में डॉलर चलता है तो टर्की में क्या चलता है, टका, कयात, लीरा, बहत, ये बेटा सब मुद्राएं हैं, सब क्या है, मुद्राएं हैं, ध्यान रखना मुद्राएं हैं। अब आपको बताना है कौन सी मुद्रा है टर्की की। एक टर्की भी आपको पता है यूरोप में है या एशिया में, पहले तो ये बताओ, सभी लोग ये बताओ कि टर्की आपके यूरोप में है या एशिया में, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। लिखा है यूएसए में डॉलर का, यूएसए मतलब आपका अमेरिका, अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, बस। तो सर टर्की की क्या है, लीरा, क्या है लीरा, टर्की की मुद्रा क्या है लीरा। कुछ मुख्य मुख्य देश है उनकी मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए। लीरा इज करेक्ट, बिल्कुल भाई लीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ आपका जो है टर्की एक यूरोपियन कंट्रीज है, आपको पता प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया था, जर्मनी का, ऐसे मित्र राष्ट्र वो अलग अलग सामने आमने सामने हो गए थे, फिर यूं धुआंधार सी लड़ाई हुई थी, है ना। तो आंसर क्या होगा, लीरा, ऑप्शन सी। लो भाई आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम, बुक्स, लो भाई आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं जो अपने महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपके, आपने कई बार देखा होगा एएलपी स्वामी जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग भाई, लेट जुड़े हैं आप, एक तो क्लास में थोड़ा टाइम पे आइए, क्लास आपकी एग्जैक्टली 8 बजे शुरू हो जाती है और थोड़ा एग्जाम था उस वजह से 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, बाकी आप यूं समझ लीजिए मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, डेली क्लास होगी 8 बजे, और सैटरडे को आपको अब टेस्ट दिया जाएगा, सैटरडे से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, सैटरडे और संडे को एक दिन मैथ का एक दिन रीजनिंग का टेस्ट दिया जाएगा आपको, जो ग्रेट कॉन्सेप्ट का ऐप है उसके अंदर जाकर के आप टेस्ट दे पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा भाई, लीजिए। अच्छा इसका आंसर किया नहीं था, बुक्स कहाँ होगी भाई, बुक्स बताओ कहाँ होगी, स्कूल में, बुक शॉप में, लाइब्रेरी में, बताओ बताओ भाई। आर्टिफिकेट्स बोलते हैं जो यूनिक चीजें, जो यूनिक आपकी कलाकृतियां होती है। टेस्ट ऐप में होगा बेटा, टेस्ट कहाँ होगा, ऐप के अंदर, ग्रेट कॉन्सेप्ट का ऐप प्ले स्टोर के अंदर जाइए डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर ऐप होगा। आर एस का एग्जाम था बेटा, है ना, 2 दिन राजस्थान RS का एग्जाम था। तो आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स किसको बोलते हैं, कलाकृतियां, यूनिक चीजें जो कुछ लोग देखो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करोड़ों में पेंटिंग बिक गई, तो हमें तो वो नहीं लगता उसमें क्या है, करोड़ों वाली क्या चीज है, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल उसने यूनिक चीज बनाई है। तो जो कलाकृतियां क्या कहाँ रहती है, म्यूजियम के अंदर, उसी प्रकार बुक्स कहाँ रहती है सर, लाइब्रेरी में, कहाँ रहती है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑप्शन सी, पुस्तकालय, पुस्तकालय। लो भाई बिल्कुल बी कौन कर रहा है रे, बुक शॉप पे, हाँ भाई बेटा बुक शॉप पे भी किताबें ही रहती है, बिल्कुल, थैंक यू बेटा, इतना अच्छा पेपर जीके वीके कम ही आता है अपने को, पता नहीं पास हो जाए तो ही ठीक है, तुम तो भावी RS ही बना रहे हो सीधा, ठीक है ना, क्योंकि जीके वीके का अपना काम ही नहीं पड़ता। चलिए कार पेट्रोल लोकोमोटिव, कार पेट्रोल से चलती है, लोकोमोटिव किससे चलते हैं,
फायर से, स्मोक से, इंजन से, कोल से। लोकोमोटिव किसको बोलते हैं पहले तो ये बताओ। अब तुम रेलवे में लगने वाले हो तो लोकोमोटिव तो पता ही होना चाहिए भाई कि सर नौकरी रेलवे की करनी है और रेलवे के बारे में ही नहीं जानते। आप उनको इंजन बोलते हैं, उसका सही भाषा में लोकोमोटिव नाम है। उसका सही भाषा में नाम क्या है? लोकोमोटिव। जो आपके देखा होगा वो गद्दर मूवी देखी होगी ना सबने, यूं वो कोयला फेंकता फेंकता चलाता है, हाँ वो जो धुआंधार वाले इंजन मूवी में थे ना, वो कोयला फेंकता अंदर। अरे सनी देओल जब अपने सकीना को लेकर फर्स्ट टाइम आ रहा था, तब की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट मूवी में, तो उसमें देखा होगा वो ट्रेन चलती है और वो बच्चा पहले तो वो खुद डालता है उसके अंदर कोयला और फिर वो बच्चा डालता है। तो कोल आंसर क्या होगा? कोल। लोकोमोटिव जो आपके कोल से चलने वाले इंजन होते हैं उनको बोलते हैं। ओल्ड में होगा तो फायर। फायर तो बेटा कुछ, फायर किससे जलाओगे? फायर अपना आप लगती है क्या? कोयले से चलने वाले वाहन, हाँ जो पहले वो धुआंधार वाले इंजन आते थे ना, अपने कई रिटायर्ड इंजन पड़े हैं अभी, कोयले से चलते हैं। किससे? कोयले से। फायर तो कोयला अंदर होगा तभी तो आग लगेगी, कुछ ना कुछ जलाने के लिए तो चाहिए। आपका बाइक का इंजन है उसके अंदर भी आग लगी रहती है, फायर होता बिल्कुल, लेकिन वो होगा किसकी वजह से? पेट्रोल की वजह से। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकेंट एम्प्टी, ये दोनों ही मेरे को लग रहा है कि पर्यायवाची है, पर्यायवाची है सर। वेकेंट यानी भी खाली रहता है, एम्प्टी यानी भी खाली होता है, तो सेडेट बताना है, सेडेट का पर्यायवाची बताना भाई सबको जल्दी से। सेडेट का पर्यायवाची बताना है, बिल्कुल भाई जबरदस्त तरीके से सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिए और लाइक भाई जरूर करें क्लास को, है ना। आप लोग लाइव कम आते हैं, चलिए मैंने मान लिया कि भाई एक दो अपनी छुट्टी हो जाती है उसकी वजह से थोड़ा आप भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन यूं समझिए कि मेहनत पूरी आपके लिए की जा रही है। बिल्कुल कि सर सेडेट यानी होता है शांत, क्या होता है? शांत। और शांत को और क्या बोलते हैं? काम। सुना होगा भाई काम हो जा, काम डाउन हो जा, काम डाउन हो जा, इसका मतलब क्या है? शांत हो जा। क्या हो जा? शांत हो जा। ऑप्शन ए काम हो जाओ, शांत होना है ना। हाँ भाई आंसर ए, ऑप्शन ए ए। चलो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ये लो, उस विकल्प का चयन करो जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा दूसरे का पहले से। एरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, प्लेजर। लो भाई निर्माण, डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश, प्लेजर। प्लेजर किसको बोलते हैं? आप किसी का स्वागत करते हैं, प्लेजर दिखाते हैं। प्लेजर कौन दिखाता भाई? प्लेजर का अपोजिट बताना है आपको। देखो इसका मतलब है जड़ से विनाश, दोनों ही विनाश है भाई, सॉरी जड़ से विनाश। और डिस्ट्रॉय का भी मतलब क्या है? विनाश। पर्यायवाची है, क्या है? पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। तो उसी प्रकार प्लेजर का बताना है आपको, प्लेजर का बताना है भाई। प्लेजर क्या? किसी से हम मिलते हैं उसका स्वागत वागत करते हैं। सर आप ऐप में जो टेस्ट देंगे क्या वो फ्री टेस्ट होगा? हाँ बेटा बिल्कुल, वो हमारे यूट्यूब विद्यार्थियों के लिए ही है ना जय प्रकाश, बिल्कुल आपकी बात सही है। आनंददायक प्लेजर, किसी से मिलते हैं एकदम यूं मुस्कुराते हुए, आनंददायक प्लेजर कि आपको देख के मेरे को आनंद हुआ, प्लेजर टू मीट यू ऐसा बोलते हैं ना, प्लेजर टू मीट यू, आपको देख के मुझे अच्छा लगा या आनंद महसूस हुआ। तो डिलाइट, यहाँ क्या होगा? डिलाइट आनंद, इसका मतलब भी क्या होता है? डिलाइट खुशी, आनंद, खुशी आनंद। देखो
जड़ से विनाश या विनाश, डिस्ट्रॉय और एरडिकेट, ये दोनों पर्यायवाची है। तो प्लेजर आनंददायक, उसी प्रकार डिलाइट खुशी या आनंद, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बी स्टिंग स्नेक, लो भाई ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी डंक मारती है, क्या करती है सर, डंक मारती है। तो सांप क्या करता है, सांप क्या करता भाई जल्दी बता दो, अपन तो सर सांप को भी डंक ही बोलते हैं, लेकिन सांप क्या करता, काटता है, क्या करता है, काटता, बाइट, दांत के निशान छोड़ देता है ना, काटता है, बाइटिंग करता है सांप। सांप क्या करता है सर, काटता है, मधुमक्खी का डंक मारना, उसी तरह सांप का काटना, बाइट करना। बिल्कुल, थोड़ा हम तेजी से चल रहे हैं समय की, बिल्कुल 3% बचे हैं, 30% कर रहे हैं। देखो मैं आपको समझाने के बावजूद, आपको टाइम देने के बावजूद अपन एक घंटे में 30% कर रहे हैं, कितनी शानदार स्पीड के साथ आपकी प्रिपरेशन हो रही है, सोच लीजिए। वोल्केनो लावा फायर, वोल्केनो से क्या निकलता भाई, वोल्केनो से लावा निकलता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। और सर आग से क्या निकलेगा बताओ भाई, आग से क्या निकलेगा, फ्लैशेस, लाइट्स, स्मोक, बर्न्स, देखो धुआं, धुआं सर आग से क्या होगा, धुआं भाई। अब देखो, अब गलत मत करना, धुआं कौन से का मीनिंग है ये तो पता ही होगा, कौन कर रहा है, बर्न, बर्न यानी जलना, बर्न यानी होता जलना, स्मोक यानी धुआं, लाइट्स यानी प्रकाश, फ्लेशेस, फ्लेशेस यानी अचानक रोशनी बोल सकते हैं, अचानक रोशनी, रोशनी के फ्लेशेस पढ़ना, स्मोक आंसर क्या होगा, धुआं, धुआं आंसर क्या होगा भाई, धुआं, स्मोक। ए कौन कर रहा है, अब भी मीनिंग बता दिया फिर भी गलत कर रहे हो, हिंदी में लिख दिया फिर भी गलत कर रहे हो आप, क्या मतलब, फिर भी ए कर रहा है, जलना नहीं होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसी प्रकार आपका फायर से, ये कौन है, पिटेगा कौन भाई, गौतम माली, आग से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ बोल पैनकेक, पैनकेक बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, ये देखो अर्थ, अर्थ का आकार है बॉल जैसा, लगभग हमारा फुटबॉल जैसा, यूं गोल सा भी नहीं है एग्जैक्टली, उसी प्रकार इसका आकार है वो डिस्क जैसा, इसके जैसा डिस्क, थोड़ा फटाफट आंसर कीजिए, है ना, आंसर क्या होगा, डिस्क, डिस्क, डिस्क। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ जाएं, ये लीजिए वक्र का, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वक्र का वो संबंध होगा, अब तो बता दो, न्यूक्लियर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ये जो लॉजी है, अध्ययन है, स्टडी है, हार्ट का अध्ययन किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, स्टडी को क्या बोलते हैं, लॉजी, साइंस की लैंग्वेज में क्या, लॉजी की सर, जितनी भी स्टडीज है, जितने भी अध्ययन है, वो सारे के सारे लॉजी कहलाते हैं। हाँ भाई, ग्रुप में नो स्मोकिंग है ना, और ग्रुप नहीं क्लास है रे, शर्म करो तुम, क्या है, क्लास है, ये ऑनलाइन क्लास है ना, इस वजह से तुम दूर बैठे हैं सर, अब आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो हम जो मर्जी हो वो करें, कोई तो पड़ा पड़ा क्लास देख रहा होगा, कोई रजाई के अंदर से क्लास देख रहा होगा, कोई यूं ही तुक्के मार रहा है, किसी घप्पे लड़ा रहा क्लास देख रहा है ना, आंसर पढ़ाई अच्छे से करनी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। देखो हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से होता है नेफ्रो, ये नेफ्रोलॉजी से होता है किडनी, ये वक्र, वक्र किडनी, किडनी किडनी, इसका मतलब नेफ्रोलॉजी, किससे संबंधित होगा भाई, नेफ्रोलॉजी,
बिल्कुल, देखो हंसी आ रही बालक को। चलिए भाई, यह आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें और बेहतरीन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। देखिए एनालॉजी भी तीन चार टाइप की है, अभी हम एक दो टाइप पढ़े हैं, आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, नंबर पर बेस्ड, लेटर बेस्ड, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं साथियों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार खुश रहिए, मजे कीजिए, जिंदगी की मौज लीजिए और साथ का साथ पढ़ाई भी कीजिए और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। नहीं सर, मैं तो लाइब्रेरी में बैठा हूं, है ना, तो लाइब्रेरी में ये उल्टे सुलटे काम कर रहा है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।